आज हम मोहाली में घूम रहे हैं जी, पंजाब के मोहाली में, जहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया इंडियन ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट चलाया जाता है एक ऑटो पे। ये चेक करिए, सारा का सारा सेटअप आपको दिखाता हूँ। और ये सबसे पहले एक मेन्यू चेक कर लीजिए, यहाँ पे थाली दी जाती है, भटूरे चने दिए जाते हैं, पूड़ी छोले दिए जाते हैं, पूड़ी आलू दिए जाते हैं। ये सारी के सारे मेन्यू आप चेक कर लीजिए और सारा का सारा सेटअप आप देखिए। अंदर भी चलता हूँ मैं आपको, सारी की सारी किचन भी दिखाता हूँ। तो ये अंकल जी आपको यहाँ पे मिलेंगे जो इंडियन ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट चला रहे हैं एक ऑटो में। सत श्री अकाल अंकल, क्या हाल चाल है जी? बहुत वधिया जी। अंकल कितने साल हो गए काम करते? मैनू 5 साल हो गए जी। अंकल क्या क्या आइटम होती है दिखा दो एक बार सारी की सारी। ये देखिए जी, सबसे पहले अंकल का सेटअप दिखाते हैं। ये चेक करिए जी, कड़ी पकौड़ा, और पकौड़े की क्वान्टिटी चेक करिए, कोई कमी नहीं है। और अंकल ये प्याज वाले पकौड़े रहते हैं? हाँ जी, प्याज, गोभी, पालक। अच्छा, मिक्स पकौड़े रहते हैं, मिक्स सब्जियों के पकौड़े रहते हैं इसमें। लाजवाब जनाब, शक्ल से तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही टेस्टी लग रही है, बाकी टेस्ट करने पे पता चलेगा कि कैसा होने वाला है इसका स्वाद। और उसके बाद अगर कोई वेज बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो जनाब उसके लिए तो सबसे फेवरेट पनीर रहने वाला है, और कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर ये हमारा चेंज होता रहता है, ट्यूजडे फ्राइडे कभी कढ़ाई पनीर, कभी मटर पनीर, कभी बटर पनीर, मतलब पनीर रहता ही है। रहता है पनीर आपको हर टाइम मिलेगा ही मिलेगा, जब मर्जी आप आ सकते हो। और 7 डेज ओपन है अंकल? नहीं, हम 5 डेज लगाते हैं। 5 डेज लगाते हो। हॉलीडे किस दिन होती है आपकी? सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। और ये देखिए जी, इसके साथ रहते हैं ब्लैक चने, ये भी चेंज होते हैं, कभी दाल हो जाती है तो कभी ब्लैक चने, मतलब मेन्यू टोटली चेंज हो जाता है। और आज जो आप खाने वाले हैं वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। ये चेक करिए जी, ये आगे राजमा, अरे बढ़िया वाले राजमा। और ये देखिए जी, ये है इनके वाइट छोले, जिसको पंजाब में छोले ही बोला जाता है, आप चने भी बोल सकते हो। तो ये सब सेटअप है। और अगली ये देखिए जी, राइस, आप हर आइटम के साथ राइस भी ले सकते हैं और प्लेट भी लगवा सकते हैं। और राइस देखिए वेजिटेबल से मिक्स है, मटर भी है इसमें, गाजर भी डाले गए हैं, धनिया गार्निश किया गया है, मतलब बढ़िया खिले हुए चावल हैं इसमें और बढ़िया वाले। और इसके बाद ये सेटअप देखिए जनाब, ये बड़े बड़े भटूरे देख सकते हो आप, भटूरे छोले भी यहाँ पर मिलते हैं। भटूरे का साइज़ चेक कीजिए जनाब, 60 रुपीज़ की ये प्लेट रहने वाली है भटूरे छोले की। सबसे पहले हम अपनी प्लेट लगवाते हैं, और ये देखिए जी फूले फूले भटूरे भी चलते जा रहे हैं। तो जनाब मोहाली का टेबल, लंच का टेबल हमारा सज चुका है, बहुत ही बढ़िया वाला, और सारी की सारी आइटम्स आपको दिखा भी चुका हूँ और टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। और क्या प्राइस है, कैसी क्वालिटी है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये चेक कीजिए जनाब, बिग वाला साइज भटूरे का, फूले हुए भटूरे हैं, जबरदस्त वाले लग रहे हैं। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट में ज़्यादा लाइक करता हूँ, बींग एज अ पंजाबी, ब्रेकफास्ट अगर भटूरे का मिल जाए ना दिन बन जाता है। तो लेकिन लंच में भी आपको टेस्ट करने के लिए ज़रूर दिखाऊंगा मैं। और ये देखिए जी, सब्जियां सारी की सारी आ चुकी हैं। आप इनमें से, इनकी थाली का रेट है 60 रुपीज़, इनमें से कोई भी आप अपनी चॉइसिस की दो चीज़ ले सकते हैं, चाहे कड़ी पकौड़ा, चाहे कढ़ाई पनीर, न्यूट्री की सब्जी। और ये देखिए, देखिए जी ब्लैक छोले, और ये मिलेंगे आपको राजमा, और ये मिलेंगे आपको वाइट छोले। और आपको 3 चपाती दी जाती हैं, वो भी घर जैसी तवे की रोटी मिलती है यहाँ पे, तंदूरी या लच्छा परांठा ऐसा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सेटअप बहुत छोटा है, लेकिन एक रेस्टोरेंट से कम नहीं है। और ये राइस की क्वालिटी चेक करिए जनाब, ज़बरदस्त वाले राइस हैं, लुक ज़बरदस्त। टेस्ट कैसा होता है, सारा का सारा कुछ डिपेंड करता है एक टेस्ट पे। और अगर आप राइस नहीं लेना चाहते हो तो आपको चपाती 2 एक्स्ट्रा दे दी जाती हैं, मतलब अपनी चॉइस की कोई भी 2 सब्जियाँ ले सकते हैं और 5 चपाती ले सकते हैं, बढ़िया वाला लंच बन जाता है, डे बन जाता है। और आइए टेस्ट करते हैं हम, स्टार्ट तो हम भटूरे से ही करेंगे, जो इतने बड़े बड़े फूले भटूरे हैं जनाब, साइज़ चेक कीजिए जनाब, ओए होए होए होए, ज़बरदस्त वाला, तो एकदम क्रिस्पी है। अगर माइक जस्टिफाई कर रहा है तो आपको आवाज़ नूर सुनाई देती होगी, क्रिस्पीपन की आवाज़ नूर सुनाई देगी। ये देखिए जी, अरे ज़बरदस्त, बिल्कुल प्लेन भटूरे रहते हैं, कोई फिलिंग नहीं रहती, कोई स्टफिंग नहीं रहती इसमें। और ये एक बाइट लेते हैं, और ये देखिए जी, ये एक बाइट लेते हैं चने के साथ, ये बाइट रेडी है जनाब, मोहाली की बहुत ही फेवरेट भटूरे छोले की बाइट। अगर मैं भटूरे की बात करूं, भटूरे तो बिल्कुल प्लेन रहने वाले हैं, लेकिन छोले का जो जायका है ना, बिल्कुल बैलेंस्ड मसालों के साथ, ना ज़्यादा तीखा है ना ज़्यादा फीका है, बड़ों से लेकर बच्चों तक सब खा सकते हैं इसको, और बहुत बढ़िया लगे मुझे तो। और पंजाबियों का ब्रेकफास्ट या लंच तो तभी कंप्लीट होगा अगर भटूरे खा रहे हो तो साथ में लस्सी का गिलास हो जाए। तो ये आ चुका है जनाब हमारा लस्सी का गिलास भी, वाओ, जस्ट वाओ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन कोर्स, जहाँ पे आते हैं हम रोटी और सब्जियों पे। ये चेक कीजिए जनाब, सबसे पहली बाइट तो जो मेरी नज़र में जा रही है ना, वेज बंदे का सबका फेवरेट रहता है कढ़ाई पनीर। और ये देखिए जनाब, कढ़ाई पनीर के साथ हमारी बाइट आ चुकी है। लाजवाब, शानदार, मज़ेदार, क्या ये बाइट है पनीर की। पनीर एकदम से सॉफ्ट रहने वाला है, पनीर के पीसेस छोटे छोटे ज़रूर हैं लेकिन सॉफ्ट एकदम बढ़िया से। और अगर थाली में खाते खाते आपकी सब्ज़ी थोड़ी कम पड़ जाती है ना,
तो रीफिल भी कर दी जाती है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। बहुत ही प्यारे और बहुत ही खुशदिल इंसान है हमारे अंकल जी, मज़ा आ गया ये बाइट खा के। और एक बाइट लेते हैं हम कड़ी पकौड़ा और राइस के साथ, ये चेक करिए जी। कड़ी में क्या होता है यार, एक खट्टापन थोड़ा सा, बिल्कुल बैलेंस उतना ही खट्टापन है जितना आपको टेस्टी लगेगा। और ब्लैक चने भी टेस्ट करते हैं, बढ़िया यार। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि घर जैसा खाना, ये एक रेस्टोरेंट जैसा खाना है। इसका जो जायका मिलता है ना घर जैसा नहीं मिलता, जैसे आपको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ये खाना खाने को मिलता है ना, जैसा क्रीमी सा होता है, थोड़ा रिच ग्रेवी टाइप होता है, वैसा ही ये जायका है। और बहुत ही स्पेशल इनका ये रायता है जनाब, ये रायता भी आपको एक थाली में ही दिया जाता है। और ये रायता कहते हैं यहाँ का, बहुत स्पेशल है। ये भी लेते हैं, बूंदी रायता है, कुछ मसाले डाले गए हैं इसमें। जनाब गर्मी में मौसम में कभी लंच करने आइएगा ना, तो 4-5 ग्लास तो ऐसे पी जाइएगा, क्योंकि एकदम से ठंड पड़ जाती है जैसे एक सिप हम लेते हैं रायता का, मज़ेदार है। वीडियो का एंड हम कुछ मीठे के साथ करेंगे। ये आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, ये है ठंडी ठंडी खीर। किसको पसंद है जल्दी से उस बंदे को टैग कर दीजिए। देखिए जी ठंडी ठंडी खीर। कुछ खाने के बाद अगर कुछ मीठा हो जाता है ना, तो जनाब लंच अधूरा नहीं रहता। अगर आप चंडीगढ़ के नियर बाय मोहाली में घूम रहे हैं या पंचकुला में, कहीं भी मोहाली के नियर बाय घूम रहे हैं और आपका लंच करने का मन हो चुका है जनाब, तो इस जायके को आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप इसको मिस कर गए ना, तो आपका जायकों का सफ़र अधूरा है जनाब। यहाँ आइएगा, एड्रेस मैं बता देता हूँ, मोहाली में Phase 8 इंडस्ट्रियल एरिया में आपको आना है। गूगल मैप की लोकेशन मैं फर्स्ट कमेंट में ज़रूर छोड़ दूंगा और अंकल का नंबर भी जरूर छोड़ दूंगा। अंकल के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, डेली का मेन्यू आपको मिलता रहेगा। तो ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, अंकल से हम एक बार मिलते हैं। अंकल बहुत मज़ा आया खाना खा के। थैंक यू जी, बहुत मज़ा आया। आप प्यार देते रहिएगा और आपके प्यार की हमेशा ही वेट रहती है। आप प्यार देते हैं तो हमारे हौसले बढ़ते हैं। तो ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। थैंक यू सो मच।